नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। केंद्र में शामिल होने के बाद, केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह पटना आए हैं, बिहार आए हैं। उनकी स्वागत भव्य तरीके से की गई, हर ओर लोगों का हुजूम रहा और कई तरह की रैलियां भी निकाली गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उनकी स्वागत की गई है। वहीं जो आरोप लग रहा था जदयू पर कि जदयू दो गुटों में बंट चुका है, एक ललन सिंह का गुट है और एक आरसीपी सिंह का गुट है, इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है अपने बयान से। आपको बताएं, आरसीपी सिंह ने क्लियरली कहा कि हम सब एक हैं और ललन बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भेदभाव और किसी भी तरह का मन मुटाव हमारे बीच नहीं है। सुनिए आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनमें उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता जो उत्साहित है, सब जाएंगे अपने इलाके में, अपने बूथ पर जाएंगे, अपनी पार्टी फॉर्मेशन करेंगे। सर, पार्टी में पोस्टर को लेकर भी काफी मतभेद चल रहे हैं। अरे कोई पार्टी में मतभेद नहीं, इस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जहाँ कोई मतभेद नहीं होता है। यहाँ एक नेता हमारे नीतीश बाबू हैं, हम लोग सब उनके सहयोग। ललन सिंह का जो तस्वीर नहीं लगा उसको लेकर जो है पोस्टर पे विवाद? अरे कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं। ललन बाबू हमारा कोई फर्क है क्या? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोग हम लोग सबका सम्मान करते हैं और सब हम लोग। शक्ति प्रदर्शन की बात आ रही है कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? अरे शक्ति प्रदर्शन क्या होता है, उस दिन जितने 6 तारीख को आए थे वो सब हमारे पार्टी के साथी थे, हमारे सब सहयोगी थे, हमारे सब कार्यकर्ता है, आज भी हमारे सब पार्टी के साथ। तो शक्ति तो अपने नेता के साथ, जितने हमारे जनता दल के साथी हैं, चाहे ललन बाबू हैं आएंगे, हम आएंगे सब रहते। उपेंद्र मुख्य चुनौती क्या रहेगी सर आगे, मुख्य चुनौती क्या है? मुख्य चुनौती हम लोग का अपना बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करना, यही हम। तो आपने देखा कि पहले तो उन्होंने एयरपोर्ट पर मना ही कर दी थी कि हम दफ्तर जाकर आपको बाइट देंगे, लेकिन फिर रास्ते में वो कुछ शब्द बोल गए क्योंकि उनसे सवाल ही ऐसा पूछ लिया गया। सवाल था ललन सिंह पर और उस पर उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है, क्लियरली कहा है कि हम सब एक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ललन बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब एक हैं, कोई भेदभाव हमारे बीच नहीं है और किसी भी तरीके की फूट पार्टी में नहीं हुई है, कोई गुट नहीं बटा है। आपको बताएं कि बिहार की राजनीति उलट फेर करते ही रहती है और इस बीच जदयू में तमाम पोस्टर वॉर्स के बाद यह निशाना साधा जा रहा था कि हाँ, हो सकता है कि जदयू दो गुट में बट गया है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर होता दिखाई दे रहा है। आरसीपी सिंह ने अपनी बातों को रख दिया है और आज उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखता भी नजर आया और काफ़ी लोग इसे ललन सिंह के रैली, ललन सिंह के आगमन की से भी कंपेयर कर रहे हैं। जब वो दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए थे तब उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया था, उसी का कंपैरिजन अब आरसीपी सिंह से भी किया जा रहा है। लेकिन आरसीपी सिंह ने क्लियरली कहा है कि हम सब एक हैं, जदयू एक पार्टी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।